अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों की तरह हम भी उन्हीं लोगों में हैं जो सोचते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, और ज़िम्मेदारी डालते हैं उस बेहतरी की हम पॉलिटिशियंस पे, सोशल वर्कर्स पे, ताकतवर लोगों पे। हम सोचते हैं यार हमारे पास तो कोई ऐसी सलाहियत नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम इस दुनिया को बेहतर बना सकें। ज़्यादा वक्त हम तनकीद में गुजार देते हैं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक साल पहले की बात है, कोविड से पहले की बात है कि मैं सिनेमा गया अपने बच्चों के साथ मूवी एक देखने। बच्चों की मूवी थी कोई 3D, तो मैंने टिकट्स वगैरह लिए, हम जाके अंदर बैठे, मूवी स्टार्ट हो गई। अब मूवी स्टार्ट हो गई, 3D थी, मेरे पास ग्लासेस नहीं थी, मैं देख रहा हूँ ग्लासेस का है, ख्याल आया कि काउंटर से तो ली ही नहीं। मैं जब काउंटर पर गया तो मैंने जाके उन्हें कहा यार आप 4 ग्लासेस दे दें। उन्होंने ग्लासेस निकाली और मुझे कहते हैं सर 1200 रुपये आप दे दें इन ग्लासेस के। तो मैंने जेब में देखा तो मेरा ख्याल आया कि मैं तो गाड़ी में छोड़ चुका हूँ वॉलेट, मैं तो टिकट्स ऑनलाइन मैंने पे की थी और मैं आ गया था फटाफट भागते हुए। मैंने उसे कहा यार अभी तो मेरे पास नहीं है पैसे, तो मूवी के एंड पे मैं आपको जो है वो। उसने कहा सॉरी जी मैं तो आपको ग्लासेस नहीं दे सकता। अब मैं सोच में ही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ, कि पीछे खातून खड़ी थी, उन्होंने कहा कि जी ये आप मेरे कार्ड से चार्ज कर लें और इनको ग्लासेस दे दें। तो आई वॉज वेरी लाइक काइंड ऑफ एम्बेरेस्ड और थोड़ा सा मुझे ख्याल आया कि यार ये क्या। मैंने उन्हें कहा नहीं खैर कोई इट्स ओके मैं जाके गाड़ी। उसने कहा कोई मसला ही नहीं है, आप अभी इससे परचेज कर लें और अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और पॉपकॉर्न वगैरह लेनी तो वो भी ले लीजिए। इट वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं और आप यकीन करें कि उनके जेस्चर और बात से बिल्कुल ये फीलिंग नहीं आई कि वो हातमदाई की कब्र पर कोई लात मार रही है, मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही है। आई फेल्ट सो कम्फर्टेबल। उन्होंने मैंने कहा कि जी मूवी खत्म होती है ना आई विल पे यू बैक। उन्होंने आगे से जवाब दिया इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, अगर नहीं भी करते तो इट्स नॉट एन इशू, आप जाएं और मूवी इंजॉय करें। सो आई केम बैक, आई टोल्ड माई किड्स दी स्टोरी और मैंने जाके मूवी पूरी देखी। मूवी खत्म हुई तो मैं फौरन से पहले बाहर निकला भागा। इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड हर, लेकिन मिल गई मुझे क्योंकि वो भी वही मूवी देख रही थी। उन्होंने मैंने कहा यू हैव टू वेट, मैं गाड़ी से जाके वॉलेट ले आऊँ। उन्होंने फिर कहा कि इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, कोई मसला ही नहीं है। जब मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था ना लेने के लिए पैसे, क्योंकि इवेंचुअली मैंने उनको पे ऑफ करना था, तो आई थॉट कि दीज रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस पीपल दे डोंट नो यू, लेकिन उन्होंने आपकी एक मुश्किल आसान कर दी, एक पूरी फैमिली के लिए एक छोटी सी चीज़ करके उन्होंने एक परस्पेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ जो है ना वो कितना चेंज कर दिया। मेरा ख्याल ये कि हम इस दुनिया को एक बहुत बेहतर जगह बना सकते हैं अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे एक्शंस काइंडनेस के डेली बुनियाद के ऊपर करते रहें। बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें उसके लिए कोई बहुत बड़ी एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी हमें कोई तब्दीली लाने की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत में आने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर से, अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने गली से, अपने मोहल्ले से इस दुनिया को बदलने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस से। लेट्स बी काइंड टू ईच अदर, लोगों का ख्याल रखें, प्यार करें, मदद करें, तो ये दुनिया एक बहुत बेहतर जगह बन जाएगी।